ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को वरुतिनी एकादशी की बधाई हो और 64 माला जप करने के प्रयास के लिए भी बधाई हो। कल हमने ये चर्चा की थी कि कृतज्ञता होने पर दुखों का रूपांतर आनंद में होता है। दुख नष्ट होकर दुखी स्थितियां वैसे ही रहते हुए भी दुख नष्ट होकर आनंद का अनुभव होता है। ये कृतज्ञता हम कैसे उत्पन्न करें, कैसे निर्माण करें? हमारा जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं, एक है शोक और एक है आकांक्षा। शोक इस चीज का होता है कि जो हमारे पास था वो खो गया, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। और आकांक्षा जो हमारे पास नहीं है, जो हमें चाहिए। और भागवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य केवल इन दोनों पर चिंतन करता है इसलिए दुखी रहता है। जो था वो निकल गया इसलिए दुखी होता है, जो नहीं है वो चाहिए इसलिए दुखी है। तो कृतज्ञ कैसे होंगे हम अगर हमारा चिंतन सदैव उन वस्तुओं पर रहेगा जो खो गया है और जो नहीं है। कृतज्ञ हम तब होंगे जब हमारा चिंतन उन वस्तुओं पर या उन व्यक्तियों पर या उन उपलब्धियों पर होगा जो हमारे पास है। और भगवान की कृपा से हमारे पास ऐसे बहुत वस्तुएं हैं और बहुत ही व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे लिए वरदान के जैसे हैं। अगर हम विचार करने लग जाए तो ऐसा समय आएगा कि हमें पता चलेगा कि दुखों का कोई कारण ही नहीं है। इतने सारे ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं। भगवान नाम प्राप्त हुआ है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, 3 समय भरपेट भोजन मिल रहा है, सर के ऊपर छत है, पहनने के लिए बढ़िया तरह से कपड़े हैं, बहुत प्रकार के और अन्य उपलब्धियां हैं। लेकिन मन जो है उन्हीं वस्तुओं पर चिंतन करता है जो हमारे पास नहीं है। और मन का और भी एक स्वभाव स्वभाव है कि जो हमारे पास नहीं है, जो हम चाहते हैं, वो एक बार हमें प्राप्त तो होता है, फिर हमारा मन दूसरे वस्तुओं पर जाता है जो हमारे पास नहीं है। जब तक जब प्राप्त तो होता है उस समय आनंद होता है, उस समय के बाद में उस वस्तु का प्राप्त होने का आनंद भी समाप्त हो जाता है जब वो प्राप्त हो जाती है। और फिर मन भागता है उन वस्तुओं पर जो नहीं है हमारे पास। तो अगर कृतज्ञ होना है तो हमें हमारी विचार करने की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नित्य नियम से जब भी किसी कारण दुख होता है, कुछ वस्तु खोने पर या कुछ वस्तुओं की आकांक्षा में, तो ये विचार करना चाहिए कि हमारे पास क्या है। और कृतज्ञता निर्माण करने के लिए एक और ज्ञान आवश्यक है कि इन वस्तुओं को जो हम चाहते हैं और वो वस्तुएं जो हम खो चुके हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि इनके द्वारा प्राप्त हुआ आनंद सदैव नश्वर होता है, सदैव क्षणिक होता है। इसलिए आइए हमारे दुखों की स्थितियों को अगर बदलना है और आनंद में रूपांतरित करना है तो हमारा चिंतन बदलना होगा, हमारी विचार प्रवृत्ति बदलनी होगी। और नित्य नियम से अगर हम हमारे नोटबुक में मोबाइल में अगर ये लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है, तो जब भी मन उदास होगा तो उन वस्तुओं को पढ़ना, तो अपने आप चिंतन शुरू होगा, फिर अपने आप कृतज्ञता होगी,
कृतज्ञता होगी तो दुख होते हुए भी आनंद ही अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। आइए इस कृतज्ञता की भावना से चिंतन करते हुए जप करें, ताकि हमारा जप जो है वो भी एक कृतज्ञता का प्रकट हो, उससे कृतज्ञता प्रकट हो कि भगवान ने हमें कितनी मूल्यवान वस्तु दी है अपने नाम के रूप में, कितनी मूल्यवान। इसके सम्मुख और कोई मूल्यवान वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में, आध्यात्मिक सृजन में, भौतिक सृजन में कहीं भी नहीं है। ये भगवान की सबसे बड़ी हमारे लिए परमोच्च भेंट है, जिसकी तुलना अन्य किसी वस्तु से जो खो गई है या हमारे पास नहीं है उससे नहीं हो सकती। आइए हम बड़े ही चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक और कृतज्ञता पूर्वक भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर कोई प्रश्न है किसी का तो उसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।